हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड नायका हॉट पिंक सेल स्टार्ट होने वाली है एंड मैं आपके साथ कुछ रिकमेंडेशंस शेयर करने वाली हूँ। वेल, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। मीन्स आपको ज़बरदस्ती कोई प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ 10% डिस्काउंट मिल रहा है, बाय इट। सो डोंट डू दिस। एंड अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नायका से रिसीव हो रहा है, सो सबसे पहले ओपन करो, देखो कि वो यूज़ तो नहीं है, आइदर वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि सेल में ऐसा होता है। एंड मैं आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स एज यूजुअल रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ। मैं ये बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन से ब्रांड्स अभी बाय कर सकते हो, आइदर स्किन केयर और मेकअप, क्योंकि सेल्स आती रहती हैं, तो ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने हैं। दैट्स इट। ओके, द फर्स्ट वन इज मिनिमलिस्ट। एंड यू नो वेरी वेल मिनिमल्स के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है, आइदर हेयर केयर और स्किन केयर बोथ। मुझे उसका हेयर ग्रोथ सीरम वर्क नहीं किया है, बट स्टिल अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड स्किन केयर में वाइटामिन सी, नायासिनामाइड एंड उसके मॉइस्चराइजर जो कि सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स हैं, प्लस फेस वॉशेस एंड सनस्क्रीन में इनविजिबल जेल सनस्क्रीन, बट समटाइम्स उसकी जो पैकेजिंग है ना वो वर्क नहीं करती है। सो शॉर्ट मिनी रिव्यू में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज कामा आयुर्वेदा, बाय टू गेट वन में है। मैंने कामा आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए, मीन्स एक दो किए, मुझे इतने ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगे। स्टिल अगर आपको बाय करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड थर्ड इज पिलग्रिम में बाय वन गेट वन है। इनकी वेबसाइट पे भी बाय वन गेट वन आते रहते हैं, तो आपको यू नो अगर लेना है देन यू कैन बाय, नॉट अ बैड डील, इट्स क्वाइट गुड। एंड उसके बाद है मामा अर्थ में भी बाय वन गेट वन है, पर मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है मामा अर्थ के यू नो मेकअप के प्रोडक्ट्स, बट मैंने ट्राई नहीं किए हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट ट्राई, ट्राई इट। एंड उसके बाद है विक्टोरिया सीक्रेट। विक्टोरिया सीक्रेट में इतने ज़्यादा ऑफर्स नहीं है, मुझे इतने ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा। इसके पहले उन्होंने बाय वन गेट वन यू नो सेल लगाई थी नायका हॉट पिंक सेल पे ही, बट इस बार उन्होंने ऐसी कोई सेल नहीं लगाई है। आई गेस 10-15% ऑफ है, दैट्स इट। उसके बाद आता है ईएलएफ। ईएलएफ में है बाय वन गेट वन, इट्स अमेजिंग डील। आई गेस आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स वो बाय टू गेट टू लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन कौन से ऐड टू कार्ट करें। चार प्रोडक्ट्स अभी बाय वन गेट वन है, इट्स अमेजिंग डील। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, लाइक हाउ कम? आई मीन लास्ट ईयर उन्होंने आई गेस बाय वन गेट वन, आई गेस बाय टू गेट टू रखा था, बट इस बार ऑर्डिनरी में ऐसा कुछ भी डिस्काउंट नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज डॉट एन की में है फ्लैट 30% ऑफ। इनकी वेबसाइट पे भी कुछ कुछ ऑफर्स चलते रहते, अभी फ्लैट 30 है, नॉट अ बैड डील। फ्लैट 30 और फ्लैट 50, अमेजिंग डील, ग्रैब इट। एंड नेक्स्ट है प्लम के प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा यू नो मुझे नहीं दिखा ऑफर, 10-15% है, बट अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको कुछ यू नो चीप रेट में मिल रहा है देन ट्राई इट। आई गेस आपको अगर 30% में मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज मुझे इतना ज़्यादा ऑफर नहीं दिखा है। उसके बाद है सिटाफिल। सिटाफिल मैंने इतने प्रोडक्ट्स उसके यूज़ नहीं किए, इतने सारे के आई गेस मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया है, बट इसमें अच्छा खासा ऑफर है, 25% अ गुड डील, ट्राई इट अगर आपको इसमें से कुछ भी ट्राई करना है तो। एंड द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एसेंशियल में है बाय टू गेट वन। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं फॉरेस्ट एसेंशियल्स के प्रोडक्ट, बट स्टिल अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं करूँगी पर्सनली। एंड नेक्स्ट इज बायोटिक के प्रोडक्ट्स, बाय वन गेट वन। आई मीन अगेन मुझे बायोटिक के भी प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, स्टिल अगर आपको ट्राई करना है देन ट्राई। एंड नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा का एनामली हेयर केयर रेंज, बाय वन गेट वन। मुझे वर्थ इट नहीं लगते इसके प्रोडक्ट्स, मैंने इसकी हेयर केयर रेंज ट्राई की है, इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट, इट्स रियली एक्सपेंसिव एंड मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे कि मैं उसको बाय करूँ, अदर रीपर्चेस करूँ, आइदर आपको रेकमेंड करूँ। माइट बी प्रियंका चोपड़ा को इसके प्रोडक्ट्स पसंद होंगे, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं देखा है। एंड नेक्स्ट कार्टन लंडन की जो परफ्यूम्स हैं उसमें है फ्लैट 50%, एंड ट्रस्ट मी आई गेस इसमें हमेशा ही फ्लैट 50 रहता है, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं लेना है कि हाँ यार इसमें ऑफर है चलो ले लेते हैं, डोंट डू दिस।
एंड नेक्स्ट है स्मैश बॉक्स में है 15% ऑफ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट ईयर लिया था बाय वन गेट वन में स्मैश बॉक्स का फाउंडेशन एंड प्राइमर, एंड उसमें विद इन अ 6 मंथ्स में एक प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला था, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है 15% ऑफ। एंड उसके बाद आता है नायका की लिपस्टिक्स, उसमें बहुत अच्छा खासा ऑफ है, सब में ऑफ नहीं है, लिपस्टिक्स में अच्छा खासा ऑफ है। के ब्यूटी में है 20-30% ऑफ, आई गेस के ब्यूटी में भी 50% तक ऑफ आता है, तो इतनी अच्छी डील नहीं है कि उसको हम लोग बाय करें। एंड नेक्स्ट है मेबलिन, मेबलिन में मुझे अच्छा ऑफर लगा है, लाइक 30-40% ऑफ, इजंट इट अमेजिंग। एंड लास्ट है, नॉट एग्जैक्टली लास्ट, इसके अलावा मैक है, मैक में है बाय टू गेट वन, आई मीन मैक में बाय टू गेट वन इट्स अ रियली अमेजिंग डील। मैक का मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, उसका कॉम्पैक्ट यूज़ किया है एंड उसकी लिपस्टिक यूज़ की है। लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है बट द यू नो फाउंडेशन इज रियली वर्थ इट, लाइक इट्स गिव मी यू नो अ मैट फिनिश लुक एंड इट्स अ वेरी लाइक नेचुरल फिनिश, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड द हुडा ब्यूटी में है बाय वन गेट वन, हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इट्स नॉट दैट ग्रेट बट उसका यू नो पैलेट, आई शेडो पैलेट आप उसको ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, अदरवाइज ठीक है, आई मीन अदरवाइज इट्स क्वाइट गुड। बट मुझे इस बार की नायका हॉट पिंक सेल इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है कि मैं इसमें से कुछ बाय करूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसमें से बाय करने वाली हूँ या नहीं, बट आप बताना व्हाट यू थिंकिंग, आर यू प्लानिंग टू बाय और नॉट फ्रॉम नायकाज हॉट पिंक सेल। And if you want any recommendation from Nykaa Hot Pink Sale, so do let me know in comments down below. So मैं आपके साथ एक YouTube short video में share कर लूँगी. So here is the video and I hope you found this video helpful. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until see you next. Bye bye and thank you for watching.